पूरे बजट के भाषण के दौरान जो वित्त मंत्री जी ने आज दिया, प्रधानमंत्री जी वहां बैठे हुए थे, पूरी कैबिनेट बैठी हुई थी, पूरे 1.5 घंटे के भाषण में एक बार भी पंजाब का जिक्र नहीं आया। वो पंजाब जो देश के अन्न भंडार भरने में, जैसा आज सीतारमन जी ने जिक्र किया, हम 80 करोड़ लोगों को जो आने वाले समय में फूड सेफ्टी के अंतर्गत अनाज देंगे, उनको राशन देंगे, उस 80 करोड़ लोगों को मिलने वाले भोजन में 50% कंट्रीब्यूशन पंजाब का है, उस पंजाब का कोई जिक्र नहीं। फिर उन्होंने फ्लड्स को लेकर, क्योंकि बरसाती सीजन चल रहा है, उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने जरूर जिक्र किया हिमाचल का, उन्होंने जिक्र किया उत्तराखंड का, जहां बीजेपी की सरकार है, उनके लिए पैकेज भी अनाउंस किया। लेकिन जितना फ्लड के कारण पंजाब की क्रॉप का, पंजाब के लोगों की प्रॉपर्टी का, पंजाब के लोगों ने नुकसान झेला अब तक, उसका कोई जिक्र नहीं, उसके लिए बजट में कोई प्रोविजन नहीं।